यस प्लीज। हमारा जो यूनिट चल रहा है बेटे, यूनिट 7 का थर्ड चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आखिरी टॉपिक बचा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आखिरी टॉपिक किस क्या बचा है बेटे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, पहले हम इसे नॉर्मल भाषा में समझते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमें ऑलरेडी पहले से हम अनुभव करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक टेबल पे चाय का कप रखा, गर्म चाय है और गर्मी का सीज़न है, और इसी सिचुएशन को विंटर सीज़न में यानी सर्दियों के सीज़न में सोचो। अब आप मुझे बताओ किस केस में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, गर्मियों में या सर्दियों में? सर्दियों में। क्या कारण है? टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया बात बोली एक बच्चे ने, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। क्योंकि गर्मी के दिनों में मान लो चाय का टेम्परेचर 80-90 डिग्री के आसपास कुछ होगा, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 47-48 डिग्री के आसपास होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कुछ कम हुआ, अप्रोक्सीमेटली 35-40 डिग्री के आसपास सपोज। और विंटर सीजन में अभी थोड़े दिन बाद में तो टेम्परेचर हो सकता है 0 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सराउंडिंग्स में, और आपने चाय को 90 डिग्री पर रखा है तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। यस, तो इसलिए कम टाइम में ज़्यादा हीट फ्लो होगी चाय से सराउंडिंग्स की तरफ, एम आई राइट? यही है बेटे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि भाई ये तो हमें पहले से पता है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, लेकिन एक यूनिट टाइम में कितनी हीट फ्लो करती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों जगह के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दोनों जगह के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट फ्लो ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो हीट फ्लो कम होगी। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या है बेटे? आप जिस बॉडी से जहाँ से हीट ले रहे हो, और सराउंडिंग्स जहाँ पर हीट जा रही है। और हालांकि सिस्टम और सराउंडिंग्स कहना जरूरी नहीं है, किसी एक जगह से दूसरी लोकेशन पर हीट फ्लो करेगी तो पूरा ही हमारा सिस्टम भी हो सकता है। तो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू, बोलो बेटे कोई दिक्कत है? तो ये है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, हीट लॉस होगी ना आउट बॉडी की, हीट लॉस होगी, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इसके मैथमेटिकली इसे कैसे लिख सकते हैं, -dT/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं आपको इसे थोड़ा मैथमेटिकली जो लिखा हुआ है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या लिखा है बेटे, -dT/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t-t0। dt ये शो कर रहा है बेटे लॉस ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर गिरेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी एक यूनिट टाइम में कितनी हीट फ्लो होगी या कितनी हीट लॉस होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। बोलो बेटे बात समझ आई? अब हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ध्यान दें, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ की स्टेटमेंट के हिसाब से -dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t-t0। क्या ये वाली स्टेटमेंट समझ आ रही है? ये बात, ये जो हमने यहां लिखा है ये क्या शो कर रहा है बेटे, कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी बेटे बोलो क्या बात है? हाँ जी बेटे बताओ, ये dQ/dt क्या शो कर रहा है, कौन बताएगा? सारे बच्चे बताने की कोशिश करो, चाहे गलत बताओ। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट का मतलब टाइम के साथ, लॉस ऑफ हीट मतलब हीट का फ्लो करना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ या एक जगह से हीट चले जाना। क्लियर हुई बात क्या? माइनस क्या शो कर रहा है, क्योंकि लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी वहां से कम हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t-t0। व्हाट इज दिस t एंड t0? t0 सराउंडिंग का टेम्परेचर, t बॉडी का टेम्परेचर। जैसे कि मान लो हमने चाय का कप लिया तो t चाय के कप का टेम्परेचर और t0 सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। एनी डाउट टू एनीबडी? ठीक है बेटे, तो अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या पक्की बात है? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास चाय का कप है, इसमें से हीट फ्लो हो रही है, इज इट क्लियर? तो जो हीट फ्लो होगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट पर नहीं डिपेंड करनी चाहिए क्या?
बेटे स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए? ये जो चाय है वो एक ग्राम चाय का टेम्परेचर एक डिग्री गिरने के लिए कितनी हीट बाहर जाएगी, वही तो स्पेसिफिक हीट है। तो एम ग्राम अगर हमने सब्सटेंस ले लिया, सी स्पेसिफिक हीट ले ली और डी टी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ले लिया, तो डी क्यू क्या आ जाएगा बेटे? एम सी डी टी। एनी डाउट टू एनीबडी? तो अगले स्टेप में हम डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे बेटे? एम सी डी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम? डी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? एम सी डी टी। माइनस पड़ा हुआ है, नीचे टाइम पड़ा हुआ है, राइट साइड में वही सेम है, एनी डाउट? अब क्या करें? ध्यान देना, ये जो डी टी है इसके नीचे ये वाला टेम्परेचर लेंगे बेटे हम, तो ये हो गया डी टी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिफरेंस, क्लियर? और बाकी सारा किधर शिफ्ट कर दिया? राइट साइड में अलोंग विद नेगेटिव साइन। तो इधर कौन आ गया? के पहले था, माइनस इधर आ गया, एम और सी नीचे आ गया, कोई दिक्कत? नीचे जो टाइम था डी टी वो इधर ऊपर आ गया, एनी प्रॉब्लम? अब ये जो कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय मास इनटू सी, ये पूरा ही तो कांस्टेंट है। मास जो है मैटर का, क्या वो चेंज होगा? नहीं भाई। चाय मान लीजिए पहले 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम उसमें कप में हमने डाली हुई है, तो उतनी रहेगी कि कम ज्यादा हो जाएगी? उतनी ही रहेगी। और सी स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, यस। तो इसका मतलब ये सारा एक कांस्टेंट हो गया, जिसे हमने एक नया कांस्टेंट बोल दिया बेटे के। पहले कैपिटल के लिखा हुआ था, अब स्मॉल के लिखकर हमने इसे न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? आप इसे के के डैश के वन के टू कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपको बढ़िया फील हो। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई बेटे? डी टी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है? यहां पर हमने एक नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया, जो कि पहले वाला कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एम इन टू सी के बराबर है। अब देखो, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट। मैं यहां थोड़ा बड़े में लिख लेता हूं, डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या करना है बेटे? इसका इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है इसका? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो एक हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है, जो कि यहां पर आपको सी के रूप में दिख रहा है, क्लियर हुआ? हाँ जी। एक फार्मूला मैंने आपको जब इंटीग्रेशन करवाया तब बताया होगा, डीएक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसे आप लॉन ऑफ एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग बेस ई को एल एन से लिखते हैं, जिसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी प्रकार डी टी डिवाइडेड बाई ए भी टेम्परेचर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे? नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट। कोई प्रॉब्लम? इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस क्या लग गया बेटे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस क्या लग गया? क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसका है बेटे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ आई है? अब इसे एक अलग तरीके से और समझा देता हूं मैं आपको। ये इक्वेशन हमें मिल गई, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं दोबारा एक बार। हमने निकाला नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इज इट क्लियर? अगर इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जहां पर वाई और एक्स दो वेरिएबल हैं, एम स्लोप है और सी इंटरसेप्ट है, क्लियर? हाँ जी। अब मुझे बताओ बेटे, एम की जगह यहां पर क्या है? एक्स की जगह कौन है और वाई की जगह कौन है? नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें किस किस के बीच में बेटे, एक तरफ ले लेते हैं हम नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम बेटे माइनस का के टी, सॉरी टी ओनली, टी ओनली, क्लियर हुआ? अब ये स्लोप नेगेटिव है क्या? हमने यहां से पता चल गया कि एम जो है ना वो माइनस के बराबर है, यानी नेगेटिव स्लोप है, क्लियर हुई बात? ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। एनी डाउट टू एनीबडी? पक्की बात है? ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब आप डिफाइन करें उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन और उसके बाद ये इसका ग्राफ। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ भी हमारे पास यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, और इधर एक डिवाइस दिखाई हुई है, वो डिवाइस क्या है बेटे? कॉपर कैलोरीमीटर है। ये डिवाइस क्या है? कॉपर कैलोरीमीटर। कॉपर कैलोरीमीटर क्या है? देखो ध्यान दे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई करने के लिए ये डिवाइस है,
ये जो डिवाइस अंदर लिया हुआ इस डायग्राम में जिसे सी से दिखा रखा है, ये है कॉपर कैलोरीमीटर जो कि कॉपर का बना हुआ है और आउटसाइड में इसको ब्लैक कलर से पेंट करके रखते हैं। इज इट क्लियर? ताकि जो भी रेडिएशन या लाइट इसके ऊपर गिरे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। इज इट क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, ब्लैक बॉडी की तरह इसे बिहेव करने के लिए इसे पेंट ब्लैक किया जाता है। इज इट क्लियर? और इसके अंदर क्या डाल देते हैं बेटे हम? पानी, वाटर। कितना? रूम टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री ज्यादा गर्म करके। मान लीजिए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है तो उसमें 30 या 40 गुना यानी 57 से 67 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर करके इसमें हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। और एक क्या है, थर्मोमीटर लगा दिया ऊपर कॉर्क, रबड़ कॉर्क से बंद करके। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं बेटे हम? एक रबड़ कॉर्क यूज कर रहे हैं। इस जगह पे क्या यूज किया जा रहा है? एक रबड़ कॉर्क और इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? थर्मोमीटर। क्या मेरी बात समझ आई? और एक यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? स्टीरर, इसको मिक्स करने के लिए या हिलाने के लिए। इज इट क्लियर? ओके। और एक हमने डबल वॉल वेसल ले रखा है बेटे, एक वेसल जिसकी दीवारें इस प्रकार थोड़ी दूरी पर हैं और इसके बीच में भी हमने वाटर डाल दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाटर क्या डाल दिया बेटे? रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि इसके आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे। इसके टेम्परेचर क्या रहे? इसके कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे इसके। और इसके अंदर भी एक थर्मोमीटर लगा दिया, क्या कोई दिक्कत? अब क्या किया हमने, अलग अलग टाइम के ऊपर स्टेरर को हिलाते रहे और अलग अलग टाइम के ऊपर थर्मोमीटर्स की रीडिंग नोट करते रहे। क्लियर हुआ? अब ये जो है ये हमें टी बताएगा सिस्टम का टेम्परेचर और ये आउटसाइड का टेम्परेचर। तो आउटसाइड का टेम्परेचर तो वही रहेगा बेटे, और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हम अलग अलग टाइम पर मेजर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपने आधे मिनट के ऊपर टेम्परेचर नोट किया, हर आधे मिनट के ऊपर अभी शुरू किया, फिर आधे मिनट बाद देखा, फिर आधे मिनट बाद देखा। क्लियर? उसके बाद आपने एक एक मिनट के डिफरेंस से देखा, उसके बाद आपने दो दो मिनट के डिफरेंस से देखा। जब ये सारी वैल्यूज आपके पास इकट्ठी हो गई तो उन सभी का नेचुरल लॉग की वैल्यूज लेकर और टाइम के साथ जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आ गया। यही ग्राफ हमें उस इक्वेशन से मिल रहा था और यही ग्राफ कॉपर कैलोरीमीटर की मदद से हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को टाइम के साथ मेजर करके प्राप्त कर लिया। क्लियर? इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ये क्या है बेटे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बोलो बेटे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये था हमारे पास यूनिट 7। यूनिट 7 इसके साथ ही हमारा आज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 3 चैप्टर्स थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट 7 नाउ वी विल गो फॉर यूनिट 8। अब हमें यूनिट 8 को स्टार्ट करना है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटे? ओके।